देखो बेटा, अब हम बात करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। इश्यूड एट प्रीमियम। तो बेटा देखो ऐसा है, लेक्चर तो बेटा बिल्कुल वही है, बस वो था फोर फीचर ऑफ शेयर इश्यूड एट पार, ये बात थी उसके बारे में डिस्कशन करा था। बट हम बात करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। लेक्चर पूरा वही रहेगा मेरे बेटा जी, कुछ भी अंतर नहीं आने वाला, सारी बातें बिल्कुल मस्त मोला तरीके से वही रहेंगी। फोर फीचर का मतलब वही रहेगा। फोर फीचर का मतलब क्या सिखाया था बेटा मैंने, सुन रहे ना मेरे बेटा जी? ठीक है। और पुष्पिता, अगर आपका जैसे कल वाला लेक्चर छूट गया था, बीच में चले गए थे आप, तो अगर आज वाला लेक्चर अच्छे से अटेंड करा तो कल वाला लेक्चर ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। प्रीमियम पढ़ते हैं तो पार तो ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ जी। तो बेटा देखो क्या है, फोर फीचर का मतलब क्या है कि अगर शेयर को कैंसिल कर देना, छीन लेना, इसे हम फोर फीचर कहते हैं। यानी कि जब कंपनी सामने वाले अपने शेयर होल्डर से, कंपनी जब अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगती है और सामने वाला शेयर होल्डर पैसा देने में आनाकानी करता है, पैसा नहीं देता है, बदतमीजी करता है, और कंपनी उसे 14 दिन का नोटिस देती है और कहते 14 दिन का समय है, जमा करा दे पैसा, नहीं तो तेरे शेयर खत्म कर दूंगी, कैंसिल कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुझे। क्लियर है? ये नहीं है, इसे बोलते हैं फोरफिट। कंपनी सामने वाले शेयर होल्डर से शेयर छीन लेती है या कैंसिल कर देती है ना, यानी कि उसका मालिकाना हक छीन लेती है। कंपनी ने उसे पलकों पर बिठाया होता था तो कंपनी उसे पलकों से उतार देती है। यहां पर मैंने बताए थे कि शेयर होल्डर के दो लॉस होते थे मेरे बेटा जी, एक तो उसके हाथ से शेयर चले जाते हैं, एक तो उसके हाथ से शेयर चले जाते हैं, और दूसरा उसने कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर जमा कराया होगा कंपनी को, कंपनी वो पैसा भी जब्त कर लेती है, कंपनी वो पैसा भी वापस नहीं करती है। यानी कि सामने वाले बंदे का हो जाता है दोहरी मात, दो रैपट कनपट्टी के नीचे, एक इस वाली कनपट्टी में और एक इस वाली कनपट्टी के नीचे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है। यानी कि सामने वाले बंदे के दो लॉस और कंपनी को हो जाता है प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी ने क्या करा है, पैसा छीन लिया है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये वाली बात। फिर कंपनी ये शेयर छीन के किसी और को रीइश्यू कर देती थी, किसी और को बेच सकती है। ठीक है ना। अब कंपनी शेयर जो रीइश्यू करेगी, मैंने बताया था इश्यू में और रीइश्यू में अंतर होता है। इश्यू का मतलब है ओरिजिनली शेयर किसको दिया गया था। इश्यू दो तरीके से होता है। इश्यू बोल रहा हूँ बेटा मैं, एक होता है एट पार पे और एक होता है एट प्रीमियम पे। या तो तुम 10 का शेयर 10 में ही दोगे, ये 10 का शेयर 11 में 12 में 13 में दोगी। ये बताया था मैंने पार और प्रीमियम। लेकिन एक होता था रीइश्यू। रीइश्यू का मतलब कोई तुमसे पूछे तो क्या बताओगे, शेयर फॉरफिट करके, शेयर छीन के किसी और को बेच देना। शेयर छीन के, फॉरफिट करके, कैंसिल करके किसी और को बेच देना, ये रीइश्यू कहलाता है। और रीइश्यू पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, 3 तरीके से हो सकता है। यानी कि तुम महंगा भी बेच सकते हो, सस्ता भी बेच सकते हो और उतने में भी बेच सकते हो। लेकिन कंपनी ने अगर अपना शेयर रीइश्यू पे सस्ता बेचा, सुन लेना मेरे शब्दों को ध्यान से, अगर कंपनी ने अपना शेयर सस्ता बेचा तो कंपनी को होगा लॉस। लेकिन क्या कंपनी लॉस अपनी जेब से बियर करेगी? तो आपने बोला था नहीं सर, नहीं। तो बेटा कहां से बियर करेगी? सर कंपनी ने जब वो शेयर, जो फोरफिटेड शेयर जो रीइश्यू कर रही है, पहले फोरफिट करा था, मैं कहां करा था, तो फोरफिट के टाइम पे कंपनी ने बंदे के कुछ ना कुछ पैसे जब्त करे थे जो कंपनी का प्रॉफिट बन गया था। हाँ बन गया था। तो कंपनी उसी प्रॉफिट में से अपना लॉस झेलेगी। क्लियर है? ये नहीं है। और अगर कुछ भी प्रॉफिट कंपनी की जेब में रह जाता है तो वो कहाँ डालते थे बेटा? हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते थे। इतनी हमारी कहानी थी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक एग्जाम्पल बनाते, बढ़िया सा नटखट सा एग्जाम्पल। क्लियर है? ये नहीं है बेटा। प्लीज सामने देखना सारे बच्चे, इसमें एक चीज मैं क्लियर करूंगा, प्लीज एक चीज रिकॉल करूंगा, स्पेशली तमन्ना और पुष्पिता बेटा ध्यान से सुनना। ठीक है। देखो बेटा, तमन्ना देखना बेटा, एक कंपनी है, मतलब मान के चलो तमन्ना तुम्हारे घर का नाम तम्मा है ना, तम्मा, एक कंपनी है तम्मा लिमिटेड। क्लियर ही नहीं है? हाँ जी, गाने ही बना है तम्मा तम्मा है ना। देखो एक कंपनी है तम्मा लिमिटेड जो 12,000 शेयर मार्केट में लेके आई है, मतलब एक तम्मा लिमिटेड कंपनी मार्केट में 12,000 शेयर लेकर आई है। ये कंपनी जो है अपना शेयर 10 का शेयर कितने में देना चाहती है? 12 में देना चाहती है। 10 के बदले 10
और 2 रुपए एक्स्ट्रा लेना चाहती है कंपनी, इसे बोलते हैं एट प्रीमियम। इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, बोलो, एट प्रीमियम, ज्यादा रुपए लेना चाहती है। लेकिन लोगों ने शेयर मांगे, लोगों ने अप्लाइड, बोला था ना मैंने अप्लाइड शेयर, लोगों ने शेयर मांगे, एप्लीकेशन लगाई, लोगों ने अर्जियां लगाई 9,000 शेयर्स की। तो बताओ मेरे बेटा जी, कंपनी लेकर आई है 12,000 शेयर, कंपनी लेकर आई है 12,000 शेयर, क्लियर है ये नहीं है, कंपनी लेकर आई है 12,000 शेयर, लेकिन लोगों ने डिमांड लगाई है 9,000 की। तो तमन्ना और पुष्पिता बेटा समझ लेना कि बेटा जब कंपनी मार्केट में शेयर लेके आती है ना, तो 3 सिचुएशन पैदा होती हैं। कितनी सिचुएशन, ध्यान से पढ़ना, 3 सिचुएशन। या तो कंपनी अगर 12,000 शेयर लेकर आई है तो लोग या तो 12,000 मांगेंगे शेयर, इसे बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, जितने कंपनी लेकर आई है लोगों ने भी उतने ही शेयर मांगे हैं और कंपनी बड़े प्यार से शेयर दे देगी, बोलो हाँ या ना। लेकिन कंपनी लेकर आई है 12,000 और लोग मांग रहे हैं 9,000, लेकिन लोग कम मांग रहे हैं, इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, अंडर सब्सक्रिप्शन, लोगों की डिमांड कम है, लोग ज्यादा शेयर नहीं खरीदना चाहते। तो कंपनी लेकर आई है 12, लोग मांग रहे हैं 9, कंपनी बड़े प्यार से शेयर दे देगी। यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे कंपनी शेयर देगी लोगों को 9,000, क्योंकि लोगों की डिमांड 9,000 की है। अब लोगों की जेब में जब 9,000 शेयर जाएंगे तो कंपनी के पास पैसा भी 9,000 शेयर के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे जितनी भी एंट्री बनेगी ना मेरे बेटा तमन्ना और पुष्पिता, वो 9,000 के अकॉर्डिंग बनेंगी, 12,000 से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12,000 शेयर मार्केट में गए नहीं है, मार्केट में तो 9,000 शेयर गया है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन एक होता था मेरे बेटा जी ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर क्या होता था, कंपनी लेकर आई है 12, लोग मांग रहे हैं 15, मतलब लोग ज्यादा मांग रहे हैं ओवर। तो उस केस में तुमने क्लास अटेंड कर चुके हो मेरी, उस केस में बनती थी टेबल। क्या बनती है मेरे बेटा, टेबल, जब लोग ज्यादा शेयर मांगते हैं, है ना, तब कंपनी क्या करती है, किसी को शायद पूरे दे देती है, किसी को प्रोरेटा करती है, या किसी को भगा देती है, देती ही नहीं है शेयर, ठीक है ना। तो वो ओवर में होता है, मतलब अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो, मतलब लोग कम मांग रहे हो, मतलब लोग 12 है, लोग 12 मांग ले या 12 से कम मांग ले, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होने की, ज्यादा मांगेंगे तो दिक्कत होगी, यानी ये ओवर में, ठीक है ना। अब सारी एंट्री 9,000 से बनेगी। यहां तक बताओ मेरे बेटा जी, तमन्ना और पुष्पिता, बोलो क्लियर है बेटा यहां तक, ये जो मैंने समझाया आपको, हाँ भैया, ठीक है। हाँ भैया, आगे चलते हैं, अब क्या लिखा है मेरे बेटा जी, अब आगे देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोग रुपए मांग रहे हैं, कैसे कैसे, थोड़े से मांग रहे हैं वो एप्लीकेशन पे, कंपनी रुपए मांग रही है थोड़े एप्लीकेशन पे, थोड़े से मांग रही है कंपनी अलॉटमेंट पे, थोड़े से मांग रही है कंपनी फर्स्ट कॉल पे, और थोड़े से मांग रही है कंपनी फाइनल कॉल पे। ये फाइनल कॉल छोड़ो, ये पे कर दे रहे हैं। हाँ जी, कितने रुपए, 4, 5, 9 और 3 12 हो गए, पूरे 12 रुपए। 12 बने कैसे हैं भैया, 10 का तो शेयर है और 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम के, ये 2 रुपए कहाँ है, क्वेश्चन ने बोला है 1 रुपया तो यहाँ है, 4 रुपए के अंदर 1 रुपए प्रीमियम के, 3 रुपए शेयर के, 5 रुपए के अंदर 1 रुपए प्रीमियम के और 4 रुपए शेयर के, तो ये 10 रुपए देखो कैसे बैठे हुए हैं, 3 और 4 7 और 3 10, है ना, और जो 2 रुपए है वो एक एक 1 रुपए एप्लीकेशन पे और 1 रुपए अलॉटमेंट पे, इस तरीके से बटे हुए हैं। अब हुआ क्या, मान लो एक बंदा था पोपट, क्या था बंदे का नाम, पोपट, और पोपट के पास मान के चलो 1,000 शेयर थे, उसने ना यहाँ पैसा दिया ना यहाँ पैसा दिया, उसने करी बदतमीजी, मतलब कंपनी ने पैसा मांगा उसे पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने रिवेंज लिया, बदला लिया, और उसके शेयर को क्या कर दिया, फोरफिट, और फोरफिट करने के बाद कंपनी ने क्या कर दिया, री इशू, क्या कर दिया मेरे बेटा जी, री इशू, सपोज मान के चलो 8 रुपए फुल्ली पेड अप पे दे दिया शेयर, कितने रुपए, 8 रुपए फुल्ली पेड अप पे दे दिया शेयर, 8 रुपए फुल्ली पेड अप। चलो जी, अब एंट्री क्या बनेगी इसको देखते हैं, आ जाओ, अब एंट्री क्या बनेगी, इधर देखो, यहां तक ये मैंने पूरी भूमिका बांध दी है क्वेश्चन की, अब हमें बनानी जनरल एंट्री, आराम आराम से होले होले एंट्री को बनाना शुरू करो, ठीक है। चलो
पहली आपको मैंने ये तो बात बताई दी थी कि हर इंस्टॉलमेंट में दो एंट्री बनेंगी, है ना, ड्यू रिसीव, लेकिन एप्लीकेशन पे पहले बनते हैं रिसीव, पहले पैसा आता है एप्लीकेशन पे, एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर गए मार्केट में, 12 नहीं गए, 9 गए हैं, तो 9,000 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन कितने रुपए की, 4 रुपए की है, तो 4 नेम 36,000 रुपए। दूसरी एंट्री बनाओ, दूसरी एंट्री कौन सी बनेगी, जैसे तुम बोलते ड्यू या मैन एप्लीकेशन से बोलते ट्रांसफर एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू SPR, यहाँ पे SPR है ना 3+1, तो वो आ गया, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 9,000 × 3, 9,000 × 1, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 27,000। SPR क्या होता है, SPR बेटे ड्यू एंट्री में आता है, क्रेडिट हो जाता है SPR सिक्योरिटी में, सिर्फ ड्यू एंट्री में। अभी सिखाते हो थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है ना। 27 और 9, 27+9, ये हो गया तुम्हारा 36,000 रुपये, क्लियर है। नाउ अब उसके बाद क्या लिखा है, नंबर थर्ड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखो अलॉटमेंट की पहले बनेगी ड्यू एंट्री, तो बेटा एक बात याद रखना, ड्यू एंट्री में ना पहले तो ड्यू एंट्री जितनी मैंने सिखा रखी वो बनाओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इतनी तो एंट्री बनती ही बनती है। बट इतना देख लो कि आगे SPR है, हाँ सर इधर SPR है, तो SPR जो होता है ना वो ड्यू एंट्री में क्रेडिट कर दिया जाता है, ड्यू एंट्री की मांगने वाली एंट्री, ये ड्यू एंट्री बना रहा हूँ मैं, तो देखो यानी कि एप्लीकेशन की तो ड्यू एंट्री ये होती है, इसलिए SPR यहाँ आया, लेकिन ना लेकिन अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री पहले बनती है, उसके बाद बनती है, उसकी पहले बनती है। अब देखो 9,000 × 4+1 है ना, तो 4 रुपये अलग और 1 रुपया SPR का अलग जाता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36 और 9, इसे ऐड करोगे तो बनेगा तुम्हारा कितना, 45,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद क्या बनेगी, तुम्हारी रिसीव एंट्री बनेगी, नंबर 4, रिसीव एंट्री बिल्कुल पहले की तरह, पैसा आएगा, हाँ जी आएगा, टू शेयर एप्लीकेशन की जगह बस क्या लिख देना है, अलॉटमेंट, कितने रुपए, 45,000 रुपए। और यहां पर क्या हुआ बेटा जी, देखो यहां पे एरियर हुआ है, और मैंने क्या बोला था, एरियर क्या होता है, एरियर कॉल्स इन रिसीव एंट्री में डेबिट हो जाता है, कॉल्स इन एरियर के नाम से, कि इतना पैसा नहीं मिला, बताएगा कोई कितना नहीं मिला, देखो 1,000 × 5, 5,000 नहीं मिले, तो देखो बेटा जी 45,000 में से 5,000 नहीं मिले, तो कितने मिल गए, 40 मिल गए, मतलब एक पोपट ने रुपए नहीं दिए, टोटल कंपनी ने सबसे 45,000 मांगे थे, 5 नहीं मिले पोपट थे, तो 40 मिल गए, ये अलॉटमेंट की रिसीव एंट्री हो गई कंप्लीट। अब क्या बनेगी बेटा जी, फर्स्ट कॉल की 3 रुपए के अकॉर्डिंग बनाओ जी। अब देखो फर्स्ट कॉल की अगर तुम एंट्री देखोगे ना, तो फर्स्ट कॉल पे देखो यहाँ पे कोई SPR नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई SPR नहीं है, तो यहाँ पे देखो एंट्री क्या बनेगी, देखो ये देख रहे शेयर अलॉटमेंट, तो जहां पर शेयर अलॉटमेंट है उसकी जगह लिख दो भाई शेयर फर्स्ट कॉल लिख दो, टू शेयर कैपिटल, SPR मत डाल देना क्योंकि SPR यहाँ नहीं है, मतलब भैया ड्यू एंट्री में क्रेडिट होता है SPR, और जहां पर होता है वहीं होता है बेटा, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ। मार्केट में शेयर कितने, 9,000 × 3, यानी कि कंपनी फाइनल कॉल पे कितने रुपये मांग रही है, 27,000 रुपीज मांग रही है। अब अगेन यहाँ पे बदतमीजी हुई है, हाँ पोपट नाम के बंदे ने यहाँ पर भी पैसा नहीं दिया है, तो क्या करोगे मेरे बेटा जी, छठी एंट्री बना दो, क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी क्या होगा, रिसीव एंट्री में कॉल्स जनरेट लिख देना, टू
शेयर फर्स्ट कॉल। अब बताओ कितने शेयर थे बंदे पे, 1000 इंटू 5, 5 नहीं 3 रुपए की थी, तीन हजार नहीं मिले तो कितने मिल गए, 27 में 3 नहीं मिले 24 मिल गए। ये हमारी मेरे बेटा कौन सी एंट्री, फर्स्ट कॉल की। कुछ नहीं कर रहा, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव और एप्लीकेशन पे रिसीव और फिर ट्रांसफर, ये एंट्री बनेगी मेरे बेटा कुल मिला के टोटल एंट्री। क्या मेरी बात क्लियर है, यहां तक बोलो फटाफट से, यहां तक मेरी हाँ बात भैया। चलो हाँ भैया। अब देखो इसमें करना क्या है, मैंने बेटा कल ये सिखाया था पुष्पिता कि बेटा फोर फीचर की एंट्री का मतलब होता है सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर। क्या बोलता है बेटा, सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर। जो भी आपने एंट्री बनाई है इशू की एंट्री पता है कौन सी होती है, जो तुम एप्लीकेशन पे जो तुमने अभी अलॉटमेंट पे जो तुमने कॉल की एंट्री खींची है ना, इसे बोलते हैं इशू की एंट्रियां। इस इशू के एंट्री के बराबर की एक एंट्री। अब तुम ये देखो तुम फोर फीचर कब कर रही हो, तुम फोर फीचर कर रही हो यहाँ पर, इस वाले फोर फीचर तो पहले ये एंट्रियां बन चुकी तीनों, मतलब तीन दो दो चार दो छह एंट्री बन चुकी है, तो इन एंट्री इन छह एंट्री के बराबर की एक एंट्री, सिंगल एंट्री एक एंट्री इशू शेयर के बराबर की एक एंट्री, वो भी रिवर्स, रिवर्स यानी कि उल्टी। जो तुमने यहाँ डेबिट किया है वो तुम क्रेडिट करोगी, जो तुमने यहाँ क्रेडिट किया है वो तुम यहाँ डेबिट करोगी। तो बेटा कई बार बच्चे क्या हो जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, भैया ऐसे तो ये एंट्री बहुत बड़ी बनने वाली है, मतलब ऐसे तो भैया ये वाली जो एंट्री बनेगी बहुत बड़ी बनेगी। तो बेटा बहुत बड़ी नहीं बनने वाली, मैंने ये चीज बताई थी बच्चों को कल भी कि कुछ अकाउंट होते हैं जो नील अकाउंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे बेटा जी, नील अकाउंट, मतलब उन अकाउंटों का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो अकाउंट खत्म हो चुके होते हैं लेकिन फिर भी दिख रहे होते हैं। जैसे कि सर कौन सा अकाउंट दिख रहा है आपको, देखो आप ये देखना, मैंने फिर अगेन से एक हाईलाइटर ले लिया। अब तुम इधर देखो, तुम्हें बेटा देखो इधर नजर आ रहा होगा, शेयर एप्लीकेशन जितने से तुमने क्रेडिट कर रखा है ना पुष्पिता, उतने से तुमने डेबिट भी कर रखा है। ये बिल्कुल वैसा ही है मैथ के अंदर, जितने का तुमने प्लस कर रखा है उतने का ही तुमने माइनस कर रखा है, तो चीजें क्या होंगी, जीरो ही तो होंगी, जितने का प्लस उतने का ही माइनस, तो आंसर क्या है जीरो, मतलब इफेक्ट क्या है नील, इसे बोलते हैं जीरो अकाउंट। एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हो गया, मतलब वो क्या हो गया कि जीरो अकाउंट हो गया। क्लियर है ये नहीं है, तो देखो जितने क्रेडिट उतने का डेबिट, इसे दुबका दो, हटाओ इसे यहाँ से, इसे दुबका दो, हटाओ यहाँ से, मैंने हटा दिया। तो तुम्हें गिनती के तीन अकाउंट नजर आ रहे होंगे यहाँ पर, बैंक शेयर कैपिटल और एसपीआर। हाँ जी सर नजर आ रहे हैं। ऐसे तुम यहाँ पर देखो बेटा जी, अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे जितने से डेबिट है, देखो 45,000 डेबिट है और 45,000 का ही क्रेडिट है, तो जितने का तुमने डेबिट करा उतने का ही तुमने क्रेडिट भी करा। हटाओ यहाँ से, इसे भी हटाओ यहाँ से। क्लियर ही नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पे गिनती के कितने अकाउंट नजर आ रहे हैं, चार। देखो शेयर कैपिटल पहले भी नजर आ रहा था, एसपीआर पहले भी नजर आ रहा था, बैंक पहले भी नजर आ रहा था, ठीक है ना। देखो इधर देखो, और एक कॉल से एरे नजर आ रहा है, देखो तीन तो पहले नजर आ रहे थे, बैंक शेयर कैपिटल एसपीआर, बैंक शेयर कैपिटल एसपीआर है भी, बस एक एरे और आ गया। अब यहाँ पर भी देख लो, फर्स्ट कॉल पे क्या हो रहा है, जितने का तुम डेबिट कर रही हो दीदी फर्स्ट कॉल को, उतने का तुमने क्या कर दिया क्रेडिट। यहाँ पर भी तुम्हें क्या नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे तीन अकाउंट नजर आ रहे होंगे, एक शेयर कैपिटल, बैंक एरियर, यहाँ एसपीआर नजर नहीं आ रहा होगा। तो अगर मैं एक मोटा माटी बात करूं तो तुम्हें गिनती के चार अकाउंट नजर आ रहे हैं, ये तो बैंक, ये एरियर कौन से, ये शेयर कैपिटल, ये एसपीआर अकाउंट, सिर्फ चार अकाउंट नजर आ रहे हैं। बोलो हाँ या ना पुष्पिता, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। अब तुम्हें क्या करना है मेरे बेटा पुष्पिता, तुम्हें कर देना है रिवर्सल, रिवर्सल कर देना है मेरे बेटा जी। भैया रिवर्सल का मतलब क्या हो गया बेटा, रिवर्सल का मतलब है उल्टा कर देना है भैया, उल्टा यानी कि डेबिट को क्रेडिट कर देना, क्रेडिट को डेबिट कर देना। मतलब भैया बताना जरा एक बार, देखो जैसे तुम्हें नजर आ रहा होगा यहाँ शेयर कैपिटल और इवन जो नीचे है ना, नीचे देखो यहाँ पर भी शेयर कैपिटल, ये रहा शेयर कैपिटल, ये क्या हो रहा है बेटा जी, ये क्रेडिट हो रहे हैं, हाँ है ना। अरे मैंने एसपीआर पे टिक मार दिया, यहाँ देखो शेयर कैपिटल और नीचे भी, क्लियर है, ये क्या हो रहा है बेटा जी, ये नीचे क्रेडिट हो रहे हैं, हाँ है ना। तो क्रेडिट को हटाने के लिए क्या कर दूंगी मेरे बेटा जी, डेबिट। लो जी मैंने यहाँ लिख दिया एंट्री, ये मेरी सातवीं एंट्री बननी है, ठीक है। क्या लिखूंगा मेरे बेटा जी, शेयर
कैपिटल अकाउंट, ये एक काम करता हूँ यहाँ से मिटा दो, थोड़ा खुले में लिखते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा लिख पाएंगे। तो शेयर कैपिटल तुमने कर रखा है क्रेडिट, यहां कर देना डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बात क्लियर होगी नहीं हो गई? पुष्पिता आपको तो पता है ना कि तुम किस बंदे के शेयर छीनती हो, जिस बंदे ने पैसा नहीं दिया होता, है ना, जिस बंदे ने पैसा नहीं दिया। जब बंदे ने पैसा नहीं दिया तो तुम क्या करते हो, तुमने एरियर क्या कर रखा था, डेबिट कर रखा था। देखो यहाँ पर भी डेबिट कर रखा है और ऊपर दो जगह नहीं दिया ना, यहाँ पर भी डेबिट कर रखा है आपने, क्लियर ही नहीं है। तो यहाँ डेबिट है, डेबिट को हटाने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट, क्या कर दोगे, क्रेडिट टू कॉल्स इन एरियर। क्लियर है? अब पुष्पिता एक बार समझना, एक बार समझना, पोपट ने क्या करा था बेटा, देखो इधर देखो, पोपट ने जब दो जगह रुपए नहीं दिए, एक तो पोपट ने यहाँ रुपया नहीं दिया, एक यहाँ नहीं दिया, लेकिन पोपट ने यहाँ तो रुपया दे दिया, हाँ जी सर दे दिया। जो रुपया दे दिया होगा पोपट ने, वो कहाँ गया होगा, बैंक में गया होगा, हाँ जी सर बैंक में गया होगा। तो बैंक में डेबिट हुआ होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, हाँ जी सर जब बैंक में पैसा आता है तो बैंक डेबिट हो जाता है, बैंक में डेबिट करा होगा हमने, यहाँ डेबिट करा होगा अपने एप्लीकेशन पे, बिल्कुल करा होगा सर हमने डेबिट 9000, है ना, 36000 रुपए के अंदर, क्लियर है। तो बैंक है डेबिट, तो क्या मैं बैंक को क्रेडिट कर दूं? तो बेटा कल मैंने बोला था कि हम बैंक को क्रेडिट नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे, आप तो बोल रहे थे डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट करते हैं। तो बेटा बैंक को क्रेडिट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैंने क्रेडिट कर दिया तो रूल लग जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, पैसा जा रहा है, जबकि जब शेयर फॉरफिट करते हैं तो पैसा जाता नहीं है, हम सामने वाले बंदे के पैसे जब्त कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, किस नाम से, शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से। इतनी एंट्री मैंने कल सिखाई थी बेटा पार पे, इतनी एंट्री बनती है पार की, ये सिर्फ इतनी एंट्री है, इसमें सिर्फ अंतर पता है किसका आएगा, एसपीआर का अंतर आएगा, किसका नजर आएगा मेरे बेटा जी, सिर्फ एसपीआर का अंतर नजर आएगा। इधर देखो, जैसे यहाँ पर देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि जो एसपीआर है वो क्रेडिट हो रहा है, हाँ जी सर हो रहा है, तो एसपीआर यहाँ क्रेडिट है ना, तो तुम क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे एसपीआर, बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है, बस एसपीआर का अंतर है और कोई अंतर नहीं है मेरे बेटा, पूरी एंट्री बिल्कुल डिट्टो वही है। पुष्पिता बेटा बोलो आया या नहीं आया? हाँ भैया आ गया। आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ अमाउंट के लिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ पुष्पिता, यहाँ पर लिखा जाता है कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप का मतलब होता है कितने रुपए मांग लिए, कितने रुपए मांग लिए, इसे बोलते हैं कॉल्ड अप, कितने मांग लिए, ठीक है। अब तुम खुद हैं, और दूसरी बात एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा था एसपीआर का अमाउंट, एसपीआर जो नहीं मिला, ये ध्यान में रखना, ये शब्द बड़े कीमती हैं, एसपीआर जो नहीं मिला, एरियर, यहाँ पे अमाउंट कौन सी आती है एरियर में, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, ये वो पैसा जो सामने वाले बंदे से मांगा गया बट नहीं दिया, और फ्यूचर फॉर फ्यूचर में अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, जो पहले से ही मिला हुआ था, कंपनी जिसे जब्त कर रही, जिस पैसे को वापस ही नहीं कर रही, ये मैंने सारा बता दिया। अब देखो मैं थोड़े से नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए, इधर देखो, पहले मैं एक टिप्पणी लिख रहा हूँ तुम्हारे कॉल्ड अप पे, याद कर लेना सारे बच्चे, ठीक है ना, कॉल्ड अप में प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते, कॉल्ड अप में प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात, एक नोट बनेगा एसपीआर के ऊपर, दो नोट है बस, एसपीआर तभी डेबिट होगा जब
नहीं जब नहीं मिला होगा, एसपीआर तभी डेबिट होगा जब एसपीआर नहीं मिला होगा, एसपीआर तभी डेबिट होगा जब एसपीआर नहीं मिला होगा। बात क्लियर हो गई? एसपीआर तभी डेबिट होगा जब एसपीआर नहीं मिला होगा। ये दो बात ध्यान रखना, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप प्रीमियम, कॉल्ड अप में, मैंने लिखना बोल, कॉल्ड अप में प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते हैं, और एसपीआर तभी डेबिट होगा जब नहीं मिला होगा। देखो पहले तो बेटा देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर अमाउंट आते हैं कॉल्ड अप, कॉल्ड अप का मतलब होता है कितने रुपए मांग लिए। सर कैसे पता लगाते हैं कितने रुपए मांग लिए? बेटा तुम सिर्फ इतना देखो, फोर फीचर से पहले सारी एंट्री लगा चुकी हो, तुम बोलोगे हाँ सर सारी एंट्री लगा चुकी हूँ, यानी कि तुम 4 रुपए 5 रुपए 3 रुपए ये सारी एंट्री लग गई। हाँ, यानी कि तुमने 4 रुपए मांग लिए, 5 रुपए मांग लिए, 3 रुपए मांग लिए, हाँ सर मांग लिए, 4 और 5 9 और 3 12, यानी कि तुमने 12 रुपए मांग लिए, हाँ जी सर मांग लिए, ठीक है तुमने 12 मांग लिए, बट इस 12 में क्या है 2 रुपए प्रीमियम क्या है, और मैंने क्या बोला कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं रिकॉर्ड होता, मतलब इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि प्रीमियम अलग चलता है एसपीआर के नाम से। तो कॉल्ड अप के अंदर क्या रह जाएगा, खाली 12 में 2 रुपए प्रीमियम क्या है ना हटा दो, तो तुम्हारा कॉल्ड अप कितना निकल कर आया, 10 10 रुपए। मुझे बताओ आया या नहीं आया, जिसको नहीं आया वो पूछ ले। किसके शेयर फॉरफिट करोगे, किसके शेयर फॉरफिट करोगे, जिसने शेयर पैसा नहीं दिया, तो पोपट के 1000 शेयर दे इंटू 10 करके हम बोलेंगे पोपट भैया तुमसे शेयर के नाम का 10,000 रुपये मांगा गया था। अब आ जाओ एसपीआर, एसपीआर अब इधर देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो मैंने एक चीज लिखी हुई है एसपीआर, एसपीआर जो नहीं मिला, यानी कि यहाँ पर वही अमाउंट आएगी जो एसपीआर नहीं मिला। अच्छा, और दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर एक नोट लिखवाया था क्या, एसपीआर तभी डेबिट होगा जब नहीं मिला होगा, ये दोनों अलग बातें हैं। एसपीआर तभी डेबिट होगा जब नहीं मिला होगा एक बात, और एसपीआर जो है वो जितना नहीं मिला होगा उतने से ही डेबिट होगा। ठीक है, अभी इधर देखो इस बुद्धि का यूज करना, मुझे बताना बेटा कि ये जो बंदा है पोपट, इसने कहा ड्रामा करा, सर यहाँ पे ड्रामा करा हुआ, इसने यहाँ ड्रामा करा है ना, मतलब उसने 5 रुपए नहीं दिए, नहीं दिए ना, 3 तो दिए ही नहीं, 5 नहीं दिए, जब उसने 5 नहीं दिए तो ये वाला एसपीआर भी नहीं दिया होगा। हाँ, लेकिन उसने ये वाला पैसा तो दे दिया था एप्लीकेशन का, जब उसने ये वाला एप्लीकेशन का पैसा दे दिया तो वो ये वाला एसपीआर दे चुका है, बोलो हाँ या ना, मुझे बता दो, किसी को दिक्कत है मेरी बात को समझने में? अनुष्का, तमन्ना, पुष्पिता, प्रियम, बोलो बेटा 2 रुपए का एसपीआर है, 1 रुपए एप्लीकेशन पे है, 1 रुपए अलॉटमेंट पे है। ये जो बंदा ड्रामा कर रहा है ना, ये अलॉटमेंट पे ड्रामा कर रहा है, यानी कि अगर इसे अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया तो इसे अलॉटमेंट वाला एसपीआर नहीं दिया होगा, लेकिन इसने एप्लीकेशन में पैसा दे दिया, यानी कि इसने एप्लीकेशन वाला एसपीआर दे दिया होगा। बेटा बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, क्लियर है? नहीं है, मैंने क्या बोला, हम एसपीआर खाली उतना एसपीआर उतना ही डेबिट करेंगे जितना नहीं मिला। भैया 1 रुपए का एसपीआर मिल गया, जो मिल गया ना एसपीआर हमें उससे मतलब नहीं है, इसका मैं लॉजिक दूंगा तुम्हें, जो मिल गया एसपीआर उससे मतलब नहीं है, जो नहीं मिला ना 1 रुपया हमें उससे मतलब है मेरे बेटा जी, जो नहीं मिला, यानी कि खाली यही रूल है बेटा जी यहाँ पर, बस इतना ही अंदर आते हैं यहीं पर ही। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1000 × 1, यानी कि 1000 रुपये एसपीआर की, हम बोलेंगे टोटल 10,000 शेयर के 1000 एसपीआर के, 11,000 मांगे थे, तूने पैसा नहीं दिया, यानी कि तूने पैसा कहाँ नहीं दिया, एक तो अलॉटमेंट 5 रुपये और एक ये दिख रहे हैं बेटा 5 और 3 8 रुपए नहीं दिए तुमने, हाँ जी सर नहीं दिए, जब पैसे नहीं दिए 8 रुपए तो क्या होगा, देखो ये जाएगा एरियर में, जो अमाउंट नहीं मिला, टोटल अमाउंट जो अमाउंट नहीं मिला 1000, एक हजार इंटू 8 कितना हो गया बेटा जी, 8,000 रुपए। अब इधर देखो क्या होगा, भैया 11,000 में से 8 हटा दो, देखो 11,000 मांगे थे 8 नहीं मिले तो कितने मिल गए, 3,000 मिल गए, और जो मिल गए कंपनी इस पैसे को वापस करती नहीं है, कंपनी इस पैसे को, मैं इस अमाउंट को मैं प्रूफ कर सकता हूँ, प्रूफ करूँ, इधर देखो, इधर देखो बेटा सारे बालक, देखो भैया पोपट ने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन फर्स्ट फ्लोर पे रुपए नहीं दिए, हाँ जी सर नहीं दिए, एप्लीकेशन के तो दे दिए ना, हाँ जी सर दे दिए, एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, सर एप्लीकेशन पे 4 रुपए हैं, उस 4 रुपए के अंदर तो 1 रुपए का प्रीमियम है, और जो प्रीमियम मिल गया उसे तो हम उसे तो हम कंसिडर कर ही नहीं, हटा दो, तो बचे कितने, खाली 3 बचे ना, एक है ना 1 रुपए जो प्रीमियम वो तो मिल गया, उसे तो हम ले ही नहीं, काउंट ही नहीं कर रहे, हटा दिया उसे, बचे 3, तो 1000 शेयर है, 1000 × 3
3000 रुपये बन गए। तो देखो ये रहा, मतलब हमने अपना प्रॉफिट 3000 का मानना, कितने का मानना है 3000 का। अब उसके बाद कंपनी ने क्या करा, यही शेयर किसी और को बेच डाले, यही शेयर किसी और को बेच डाले। क्लियर है? जब कंपनी बेचेगी तो बेटा क्या होगा, दोबारा से पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और कोई दूसरा बंदा क्या बन जाएगा मेरे बेटा जी, मालिक बनेगा। और मालिक कहाँ जाता है बेटा, शेयर कैपिटल में जाता है, मंजिल से जाता है। तो बेटा देखो यहाँ पर जो अमाउंट आती है ना, याद रखना पेड अप। पेड अप का मतलब है कितने का मालिक बना रहे हो, देसी भाषा में बता रहा हूँ, कितने का मालिक बना रहे हो, कितने का मालिक बना रहे हो। पेड़ का मतलब है कितने का मालिक बना रहे हो। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देख लेना बेटा जी। इस क्वेश्चन में मैंने बकायदा लिखा हुआ है फुली पेड अप। कंपनी ने 8 रुपए का शेयर बेच दिया, कंपनी ने 8 में शेयर बेच दिया फुली पेड अप। और बेटा मैंने फुली पेड अप के बारे में क्या बताया था बेटा, फुली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू, फुली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू, फुली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है मेरे बेटा जी क्या, फेस वैल्यू। और मेरे इस क्वेश्चन में शेयर की वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 10, 10 का शेयर 12 में दे रहे थे ना, मतलब शेयर की 10 है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 × 10 इनकी पेड अप, 10000 का मालिक बना रहे हैं हम, 10000 पेड अप है, कितने रुपए लेंगे 8। कंपनी कह रही तू 8 रुपए दे दे और मालिक बन जाए 10000 का। इनकी कंपनी 2000 का लॉस झेलने के लिए राजी है। और मैंने बोला ना बेटा कंपनी लॉस कहाँ से झेलेगी, जो कंपनी ने पहले प्रॉफिट कमाया होगा, और प्रॉफिट के सामने कमाया है शेयर फोर फीचर के नाम से। क्लियर है ये नहीं है, इसे बोलते हैं री इशू की एंट्री। क्या बोलते हैं, री इशू। इसे मैं नॉर्मली बोलता हूँ पापा एंट्री। क्या बोलते हो मेरे बेटा जी, पापा। मैंने बोलता अगर पापा आए हैं, क्या बेटा मैंने क्या बोला, अगर पापा आए हैं तो क्या आएगा बेटा जी, बेटा भी आएगा, ठीक है ना। तो बेटा क्या होता है बेटा जी, ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री कौन सी होती है मेरे बेटा जी, जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है ना वो हम कैपिटल सर में डाल देते हैं, शेयर फोर फीचर। आपने शेयर फॉरफीचर क्या करा था, क्रेडिट करा था, हटाने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट, और इसे ट्रांसफर कर दोगे कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। सर अमाउंट कैसे निकालेंगे जरा बताओगे आप। देखो बेटा अमाउंट कैसे निकालेंगे, आप इधर देखो, जब आपने आपने जब आपने प्रॉफिट कमाया था तो कितने का प्रॉफिट कमाया था सर, 3000 का, और इन्हीं शेयर पे लॉस कितना कमा लिया, 2000 का। 1000 शेयर पे ही प्रॉफिट कमाया, 3 का 1000 शेयर पे ही लॉस कमाया 2, तो तुम्हारी जेब में कितना रह गया सर, 1000 रह गया, रह गया ना 1000, बस इतनी सी बात है बेटा जी। तो 3000 का प्रॉफिट था, 2000 झेलने के बाद, मतलब 2000 का लॉस झेल लिया, तो 1000 तुम्हें कन्फर्म है तुम्हारा प्रॉफिट है। तो तुम इधर शेयर फॉरफीचर से निकाल दोगे और शेयर कैपिटल के अंदर डाल दोगे। ये है मेरे बेटा जी, ये आप कहोगे सर ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है पीएनएल अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, तो मैंने कल ही बताया था कि बेटा प्रॉफिट दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट और एक होता है कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट मेरे बेटा वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी रोज रोज कमाती है, जैसे अगर मैं आज कमा रहा हूँ, आज पढ़ा रहा हूँ, तो आज मैं कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है ना, बार बार कमाने वाला प्रॉफिट। लेकिन एक होता है कैपिटल प्रॉफिट, यानी कि ऐसे प्रॉफिट जो कंपनी कभी कभार कमाती है, रोज रोज नहीं कमाती। जैसे तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी थी और तुमने उसे प्रॉफिट में बेच दिया, तो तुम रोज रोज तो प्रॉपर्टी बेचते नहीं हो, तो वो जो प्रॉफिट कमाया वो कैपिटल प्रॉफिट है, और सारे कैपिटल प्रॉफिट जो होते हैं वो कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। ऐसे ही कंपनी रोज रोज शेयर फॉरफिट नहीं करती, रोज रोज शेयर रीइशू नहीं करती, तो कंपनी रोज रोज ये प्रॉफिट नहीं कमाती। तो ये रोज रोज वाले कैपिटल प्रॉफिट कहलाए, रोज रोज नहीं कमाती ना, तो कैपिटल प्रॉफिट कहलाए, और सारे कैपिटल प्रॉफिट कहा जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। ये है बेटा जी 3 एंट्री का झोल है, फॉरफीचर, रीइशू, ट्रांसफर। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब देखो बेटा क्या है कि मैं ना थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ आपके लिए। मैं ये लिख देता हूँ कि मान लो कंपनी ने ये जो शेयर रीइशू करा ना, ये जो रीइशू करा, देखो मुझे फिगर याद है, ठीक है, ये रीइशू करते कंपनी ने, मान के चलो 10 का शेयर 12 में, अब कंपनी ज्यादा में दे रही है शेयर, ये तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे तो रीइशू में आना तो पेड अप ही है, और पेड में कितने का मालिक बन रहा है, 10 का मालिक बन रहा है, तो 1000 × 10 यानी कि सामने वाला बंदा कंपनी कह रही है मैं तुझे 10000 का मालिक बनाऊंगी और तू मुझे
12 रुपए दे, मतलब कंपनी ज्यादा रुपए मांग रही है। तो कंपनी अगर ज्यादा रुपए मांगते तो उसे क्या बोलते हो? एसपीआर। सर रीइश्यू एसपीआर पे हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है बेटा। अब बताओ अगर क्या रीइश्यू करते वक्त कंपनी को लॉस हुआ? नहीं सर, बल्कि कंपनी ने ज्यादा रुपए लिए, कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है। और तो बेटा क्या होता है इस केस में, इधर देखो, इस केस में क्या होता है कि जितना भी फोर फीचर में तुमने प्रॉफिट कमाया था ना, 3000 रुपए कमाया था ना, वो सारा ही कैपिटल में चला जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने प्रॉफिट कमाया था 3000 का, लॉस तो कुछ कमाया ही नहीं, प्रॉफिट होना ज्यादा रुपए लिए तुमने, तो पूरा ही प्रॉफिट तुम्हारा रह गया और वो कंपनी कहाँ डाल देती है? कैपिटल रिजर्व में। बेटा क्लियर है? किसी को पूछ रहे तो पूछ लो। अब मान लो कंपनी यही शेयर 10 वाला 7 में दे दे, तो एंट्री क्या बनेगी? सर या तो लॉस हो रहा है ना? हाँ बेटा लॉस हो रहा है, यहाँ पे आना पेड अप भी है। पेड अप यानी कि भाई फुली पेड अप, 10 का मालिक बन रहा है, 1000 × 10 10000 का, कितने में? 1000 × 7 7000 में। तो लॉस कितने का हो रहा है? 3000 का लॉस हो रहा है। और ये लॉस कहाँ जाएगा? शेयर फॉरफीचर, मतलब कंपनी प्रॉफिट से कवर अप करेगी। क्लियर है? बात क्लियर होगी? लेकिन अगर तुम देखो तुम्हें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 का हो रहा था सर। और लॉस भी कितना हो गया? सर 3 का ही हो गया। तो तुम्हारे पास कुछ बचा? नहीं बचा। तो इस वाले केस के बाद तुम ट्रांसफर एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बच नहीं रहा। प्रॉफिट बच रहा होता तो ये ट्रांसफर एंट्री बन जाती, अदरवाइज नहीं बनती। बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई बेटा? बोलो हाँ या ना। लेकिन एक बात और बोल दे रहा हूँ, और ये बात मैं पुष्पिता आपके लिए बोल रहा हूँ बच्चे, कंपनी कभी 10 का शेयर 6 में नहीं बेचेगी। क्यों? क्योंकि 6 में बेच देगी तो कंपनी को ज्यादा लॉस हो जाएगा, और कंपनी मैक्सिमम लॉस उतना ही झेलती है जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। तो 3000 का ही प्रॉफिट कमाया ना, तो मैक्सिमम लॉस 3 का झेलेगी या कम का झेलेगी, उससे ज्यादा का नहीं झेलेगी। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो 9953247751 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स।